मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि नॉट बिकॉज और बट बिकॉज क्या है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं कोई एक आदमी किसी काम को इसलिए नहीं करता है बल्कि उस लिए करता है, यानी कोई आदमी किसी काम को इस मकसद से नहीं करता है बल्कि दूसरे मकसद से करता है। जैसे मैं हॉलीवुड मूवी देखता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे हॉलीवुड मूवी पसंद है बल्कि इसलिए कि मैं इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने कहा कि मैं कोई एक काम करता हूँ यानी मैं हॉलीवुड मूवी देखता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे हॉलीवुड मूवी पसंद है बल्कि इसलिए कि मैं इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहता हूँ, यानी इस काम को इसलिए नहीं करता बल्कि किसी और पर्पज से करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप नॉट बिकॉज बट बिकॉज का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। मैं दीपिका का मूवी देखता हूँ, आई वॉच दीपिकाज मूवी, इसलिए नहीं कि मुझे मूवी पसंद है, नॉट बिकॉज आई लाइक मूवी बल्कि इसलिए कि मुझे दीपिका पसंद है, बट बिकॉज आई लाइक दीपिका। मैं हॉलीवुड मूवी देखता हूँ, आई वॉच हॉलीवुड मूवी, इसलिए नहीं कि मुझे यह पसंद है, नॉट बिकॉज आई लाइक दिस बल्कि इसलिए कि मैं इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहता हूँ, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ, आई अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, इसलिए नहीं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मनी बल्कि इसलिए कि मैं फेमस होना चाहता हूँ, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फेमस। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने बोला कि मैं कोई काम करता हूँ इसलिए नहीं या इस मकसद से नहीं बल्कि मैं किसी दूसरे मकसद से उस काम को करता हूँ या किसी और पर्पस से उस काम को करता हूँ। वह यहाँ आती है, सी कम्स हियर, इसलिए नहीं कि वह मेरी मदद करती है, नॉट बिकॉज सी हेल्प्स मी बल्कि इसलिए कि वह मेरे काम का हिसाब लेना चाहती है, सी वॉन्ट टू टेक रिकॉर्ड ऑफ माई वर्क्स, यानी वह यहाँ मेरी मदद करने के पर्पस से नहीं आती है बल्कि वह मेरे कामों का हिसाब लेने के पर्पस से आती है, मेरे कामों का रिकॉर्ड लेने के पर्पस से आती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि नॉट बिकॉज और बट बिकॉज क्या है और आपने शानदार तरीके से समझा कि जब आपको कहना हो कि मैं कोई काम करता हूँ इस पर्पस से नहीं, इस मकसद से नहीं बल्कि दूसरे मकसद से या दूसरे पर्पस से, तो इस सूरत में आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।